तभी या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हनुमान, षष्ठी कल्प के अनुसार आज नवमी हो गई। माता को प्रसन्न करने के लिए मेरे पास आज संध्या तक का ही समय शेष है। माता, आपने इस तुच्छ भक्त को अनेकों अवसरों पर अपने दर्शन प्रदान किए हैं, फिर प्रभु श्री राम तो स्वयं नारायण हैं, जिनका नाम तो स्वयं महादेव भी जपते हैं। माता, फिर आप इनको दर्शन क्यों नहीं दे रही हैं? माता, हमारी गुहार सुनिए, हमारी सहायता कीजिए। माता, यदि हमसे कोई भूल हुई हो, कोई कमी रही हो हमारी भक्ति वंदना में, तो पुत्र हनुमान, तुम्हारी भक्ति में कोई कमी नहीं है, परंतु मैं एक स्थिति में ही राम को अपने दर्शन दूंगी। 108 शतम अष्ट नील कमल मुझे समर्पित करने होंगे उन्हें। प्रभु हनुमान, माता की इस पूजा को संपन्न करने के लिए मुझे 108 नील कमल चाहिए होंगे। माता की इच्छा प्रभु को पहले से ही ज्ञात है, परंतु प्रभु, ऐसे पुष्प तो लंका में उपलब्ध ही नहीं है। महाराज विभीषण जी लंका में नहीं हैं, तो संसार में जहां भी होंगे मैं वहीं से लेकर आऊंगा उन्हें। परंतु मैं प्रभु को इस पूजा में कदापि विफल नहीं होने दूंगा। तो सुनो हनुमान, ये पुष्प लाने के लिए तुम्हें देवीदाह जाना होगा, वहीं पाए जाते हैं ये दुर्लभ नील कमल। परंतु हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि देवीदाह यहाँ से बहुत दूरी पर स्थित है, और आज तुम्हें नवमी की पूजा संपन्न होने अर्थात सूर्य अस्त से पूर्व ही लौट कर आना होगा, तभी मेरी पूजा सफल हो पाएगी। प्रभु, आपके कार्य में आपका नाम लेते ही समस्त दूरियां मिट जाती हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं प्रभु, आज सूर्यास्त होने के पूर्व मैं आपके समक्ष 108 नील कमल अवश्य प्रस्तुत करूंगा। प्रभु, प्रणाम प्रभु। भान ज्ञान गुण सागर जय, कपीस दिव्य लोक उजागर जय। जय श्री राम। रावण की पूजा भी अब अंतिम चरण पर ही होगी। रावण की पूजा पूर्ण होने के पूर्व प्रभु की पूजा सफल हो जाए, इसके लिए शीघ्रता करनी होगी मुझे। प्रतीत होता है मैं देवीदाह पहुंच गया, नील कमल दिखाई दे रहे हैं मुझे। माता, आपका अत्यंत आभारी हूं मैं, आपकी ही कृपा से
मुझे ये कमल इतनी शीघ्र प्राप्त हो गए। अब मैं अविलंब इन्हें ले जाकर प्रभु को दे दूंगा, जिससे वो आपकी पूजा संपन्न कर सके। माता, कैसी विचित्र माया है। एक पुष्प तोड़ता हूं तो दूसरा पुनः अपने स्थान पर स्थित हो जाता है। जो भी हो, लेकिन पुष्प को तो मैं यहां से लेकर ही जाऊंगा, भले ही उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। एक साथ ही तोड़ लूंगा मैं इन सारे पुष्पों को। सब पुष्प अदृश्य हो गए। ये कैसे संभव है? पुष्प कहां गए? कौन है यहां जो मेरे साथ ऐसा छल कर रहा है? मुझे किसी भी मूल्य पर ये सारे पुष्प लेकर जाने हैं, और मेरे पास मात्र सूर्यास्त तक का ही समय शेष है। नील कमल पुष्प जिसने भी छुपाए हैं, उनसे मेरा अनुरोध है, कृपा कर मुझे वो पुष्प दे दें जिन्हें लेकर मेरा यहां से लौटना यथाशीघ्र अति आवश्यक है। आपको यहां से रिक्त हाथ ही लौटना होगा। देवी दाह के इस नील कमल ताल का रक्षक ताल पुरुष आपको यहां से नील कमल के पुष्प को ले जाने की अनुमति कदापि नहीं दूंगा। हे ताल पुरुष, यदि आपने मेरा अनुरोध नहीं सुना, मुझे यहां से पुष्प लेकर जाने की अनुमति ना दी, तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मेरे प्रभु श्री राम की पूजा अधूरी रह जाएगी। प्रभु श्री राम की पूजा? उनकी किस पूजा की बात कर रहे हैं आप? प्रणाम ताल पुरुष। माता महेश्वरी को प्रसन्न करने के लिए प्रभु श्री राम अकाल बोधन पूजा कर रहे हैं, उसी को पूर्ण करने के लिए उन्हें नील कमल पुष्पों की आवश्यकता है। नारायण अवतार प्रभु श्री राम को वंचित रखने का अपराध कैसे कर सकता हूँ मैं? ये दिव्य पुष्प ऐसे नहीं ले जाने दे सकता। संभवतः इन्हें प्राप्त करने के लिए आप मुझे मिथ्या कथन सुना रहे हो। मैं राम सेवक हनुमान, जो सदैव अपने प्रभु की भक्ति और सेवा में तत्पर रहता हूँ, आपसे असत्य वचन क्यों कहूंगा? सत्य और असत्य का परीक्षण तो ठोस प्रमाण के आधार पर ही हो सकता है, उसके बिना विश्वास कैसे करूं? मेरे संशय को मिटाने के लिए और अपना कथन प्रमाणित करने के लिए प्रभु श्री राम के चरणों की रज लानी होगी। चरण रज लाइए और पुष्प ले जाइए। देवेश्वरी, तो ऐसे ले रही हैं आप हनुमान की परीक्षा? हे ताल पुरुष जी, यदि अब मैं प्रभु के चरणों की रज लेने गया तो संभव है यहां से पुष्प लेकर लौटने में मुझे विलंब हो जाएगा, और मेरे प्रभु अपनी पूजा संपन्न करने में असफल हो जाएंगे। ताल पुरुष जी, मुझ पर उपकार कीजिए, मेरा विश्वास कर मुझे पुष्प ले जाने की अनुमति दीजिए। आपके कथनानुसार प्रभु के अनन्य भक्त हैं आप, तो आप कीजिए मुझ पर उपकार।
प्रभु के जिन पावन चरणों की महिमा सर्व ज्ञात है, जिन चरणों की रज से देवी अहिल्या का उद्धार हुआ, जिन चरणों से माता गंगा का उद्गम हुआ, जिनके स्पर्श मात्र से आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है, उसी महिमामय रज को लाकर उसके स्पर्श सुख का भागी बनाइए मुझे, जिससे मेरा जीवन सफल हो सके, उद्धार हो सके मेरा, तभी मैं आपका विश्वास करूंगा। सूर्यास्त होने में अब अल्प समय ही शेष है। हनुमान कहीं किसी दुविधा में तो नहीं फंस गए? अन्यथा देवी दाह यहां से कितना भी दूर क्यों ना हो, परंतु हनुमान कभी इतना विलंब नहीं करते। मुझे भय है इस बीच कहीं भ्राता रावण अपनी पूजा में सफल ना हो जाएं। कुछ भी हो जाए, मुझे पूर्ण विश्वास है समय रहते हनुमान अवश्य लौटेंगे। इतनी लघु समयावधि में सूर्यास्त के पूर्व प्रभु के निकट जाकर लौटना और फिर यहाँ से पुष्प ले जाना तो असंभव है, इसलिए मुझे किसी प्रकार ताल पुरुष को ही अपना विश्वास दिलाना होगा। परंतु प्रतीत होता है कि प्रभु के चरणों की रज के बिना ये मेरा कथन कभी सत्य नहीं मानेंगे। अब इतने अल्प समय में प्रभु चरण रज कैसे उपलब्ध करूं मैं? और समय व्यर्थ क्यों गवा रहे हैं आप? जाइए और लेकर आइए प्रभु के चरणों की धूल। यहां से पुष्प ले जाने के लिए प्रभु के निकट जाकर लौटने की कोई आवश्यकता नहीं है मुझे, प्रभु के श्री चरणों में तो मेरा वास है। प्रतिदिन अनेकों बार मेरा शीश प्रभु के चरणों का स्पर्श करता है, मेरे मस्तक पर सदैव उनकी चरण रज लगी रहती है, उसे आप स्वीकार कीजिए। शिरोमणि हनुमान ने इस कठिन परीक्षा को भी अपनी चतुराई से कितना सरल बना दिया। धन्य हुआ मैं प्रभु श्री राम के चरणों की धूल पाकर। आपको अनेकों धन्यवाद ओ महान राम सेवक हनुमान जी। आप जितने भी नील कमल ले जाना चाहते हैं ले जाइए। धन्यवाद ताल पुरुष जी, मुझे तो मात्र 108 नील कमल की ही आवश्यकता है। ताल पुरुष कपि के आभारी, राम चरण रज शीश जो धारी, जग जननी की पूजा लाए, नील कमल युक्ति से पाए। काज जो सौंपे राम कपि को, पूरन होने से रोके को। बजरंगी सम भक्त न भाई, जय हनुमत जय जय रघुराई। एक सौ आठ नील कमल पुष्प प्रदान करने के लिए आपको अनेकों धन्यवाद ताल पुरुष जी।
प्रभु अपनी पूजा संपन्न कर सकें, इसके लिए मुझे शीघ्र अति शीघ्र सूर्यास्त के पूर्व ही वहां पहुंचना होगा। प्रभु के प्रति जिसकी इतनी अपार भक्ति हो और जिस पर प्रभु की इतनी कृपा हो, वो कभी असफल नहीं हो सकता। आप अवश्य सफल होंगे। जय श्री राम। सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। वो देखिए, वो आ रहे हैं हनुमान। महाबली हनुमान की, संकट मोचन हनुमान की, केसरी नंदन हनुमान की, प्रभु श्री राम की। तुमने पुनः मुझ पर उपकार किया है। यदि तुम असफल होकर लौटते या तुम्हें विलंब हो जाता तो मेरा संकल्प कभी पूर्ण नहीं हो पाता। मैं तुम्हें पुनः धन्यवाद देता हूं। प्रभु, मैंने तो मात्र अपना कर्तव्य निभाया है। मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है कि मैं सूर्यास्त से पूर्व इन पुष्पों को लाने में सफल हो सका। अब सूर्य देव के अपने विश्राम स्थल पर जाने के पूर्व आप कृपया अपना संकल्प पूर्ण कीजिए। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। माता, ये 108 नील कमल आपको समर्पित कर मैं अपनी पूजा संपन्न करता हूं। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए माता। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। होता है कि अब आपके दर्शन देने का समय आ गया है। अभी नहीं नाथ, हनुमान तो मेरी परीक्षा में खरे उतरे, परंतु अब श्री राम को भी परीक्षा देनी होगी। मैं जानती हूं स्वामी, आपके हृदय में यही विचार उत्पन्न हो रहा होगा कि श्री राम की परीक्षा लेने की क्या आवश्यकता है। श्री राम सत्य और धर्म पथ पर अग्रसर, इस पथ पर चलने वाले पथिक अंततः जीवन में सफलता ही प्राप्त करते हैं।
परंतु उसके पूर्व उनकी श्रद्धा और निष्ठा की कड़ी परीक्षा भी होती है। तो मात्र 107 पुष्प थे, मैंने तो 108 पुष्प चढ़ाने का संकल्प किया था। एक पुष्प कम कैसे रह गया? प्रभु ये कैसे हो सकता है? मैं स्वयं वहां से 108 पुष्प गिन कर लाया हूँ प्रभु। हमने स्वयं देखा, अंतिम नील कमल पुष्प भी यही था। अकस्मात कैसे लुप्त हो सकता है? अब ये पूजा कैसे संपन्न होगी? सच्चे भक्त के ईश्वर अवश्य परीक्षा लेते हैं, इसलिए व्यक्ति को धैर्य बनाए रखना चाहिए।